सो दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 12.5 के एक बहुत ही ज़्यादा कमाल के फीचर के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक नया अपडेट है वो यहाँ पर सामने निकल के आया है, और दो नए फीचर हैं वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। और अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो इसी अपडेट के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे, और बात करेंगे आप लोग कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो और कौन कौन से आपको कमाल के फीचर हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हो, आप लोगों को दो नए फीचर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोनों के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप लोग जैसे इस पर टैप करोगे, सेटिंग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये फेस टाइम इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैंने iOS की थीम है वो यहाँ पर अप्लाई कर रखी है। इसकी भी वीडियो है वो आपको ऊपर आई बटन प्रेस करके देखने को मिल जाएगी। बहुत ही कमाल की आपको थीम है वो यहाँ पर देखने को मिलती है कंप्लीट iOS से। सो अगर हम बात करें इसके रिकॉर्डिंग के बारे में, सो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों के डिवाइस में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे शो होगा। कुछ नए रेजुलेशन है वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। वीडियो क्वालिटी है वो आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हो। और सबसे मेन बात, फ्रेम रेट है, FPS है वो आप लोगों को यहाँ पर 90 FPS तक देखने को मिल जाएंगे। ये पोको X3 Pro है, मुझे पता नहीं इसके अंदर कैसे 90 FPS है जो कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारे पोको डिवाइस के यूजर होंगे जैसे कि पोको M2 Pro, पोको M2, तो आप लोगों को यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो एक बार यहाँ पर जरूर से ट्राई कर लेना। दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसको यहाँ पे ऑन कर दिया है, तो चलिए इसको अभी ऑफ करते हैं। सो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, या आपको एक बार रिमेंबर माय चॉइस करना है उसके बाद में आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये डायरेक्टली ओपन हो चुका है, और स्क्रीन रिकॉर्डर का आपको फोल्डर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोग इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। सो आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पे आना है, और हमारा चैनल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा CSN। आप लोग चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। सो आप लोगों को यहाँ पर ये एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो सिंपली इस पर टैप करना है, 5.7 MB की टोटल साइज देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हो इसका वर्जन नंबर है वो आपको 1.9.9 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो की लेटेस्ट अपडेट है इसी स्क्रीन रिकॉर्डर का। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।